अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए भाई साहब, फिर दूसरे आदमी के हम ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं। हम इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो दिखाए थे, चार लड़के आए हैं नए आदमी, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अच्छी तरह सेल बनाइएगा, ठीक है? आप इनको देख ही रहे हैं। जो भाई साहब अपने मुल्क में बस छोटा गाड़ी चलाए हैं या ट्रैक्टर भी चलाए हैं, अगर वो हैवी गाड़ी में आना चाहते हैं तो भाई साहब बस सऊदी अरब ही ट्रेनिंग देती है। पुराने ड्राइवर से बोलते हैं थोड़ा ट्रेनिंग दे देना, नए आदमी है ये लोग, तो ये लोग को यही ट्रेनिंग मिल रहा है। आज जुम्मा है, छुट्टी का दिन है। आप दोनों टायर ये देख ही रहे हैं, ये दोनों टायर के बीच में इनको एल बना कर लगाना है। इनको ट्रेन देखिए गलत लगा रहे हैं, दूसरे टायर के बीच में चढ़ा दिए। भाई साहब हेलो, इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए वो टायर के ऊपर चढ़ा दिए हैं, आप देख ही रहे हैं। तो भाई साहब कोई भी नया आदमी आना चाहते हैं तो बिल्कुल टेंशन ना ले, बस इनको बस कोई भी आदमी के बस यही अंदाज बनना चाहिए, हम किधर काट रहे हैं तो मेरा पीछे का जो सतह है किधर जा रही है। उसके बाद जब हाथ बैठ जाती है, स्टेरिंग का अंदाज मिल जाएगी, तो उसके बाद से आपको अंदाज मिल जाएगी। इनको यही ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिलहाल ये लाइसेंस बनाने के लिए दल्ला में जाएंगे जहाँ पे लाइसेंस बनता है, वहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं। सुरता वाले सीधा गाड़ी करके सीधा लगा के गाड़ी दे देते हैं, उनको बोलते हैं एल बनाकर आपको ये दोनों टायर जो है ना ऐसा ही आपको एल बना के इसमें घुसाना है। देखिए अभी तो फिलहाल ये अच्छा काटे हुए हैं, बस इनको खाली गाड़ी सीधा बना दें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गाड़ी लगा दिए हैं, बस अब उनको गाड़ी सीधा करना है, लेकिन उस पर चढ़ ना जाए टायर पे। उसके बाद आप देख ही रहे हैं ये अच्छा गाड़ी लगा दिए हैं, पहले वाले घबराएं उसके बाद अच्छा लगा दिए हैं। तो बस ऐसे ही जो भी लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो बस यहाँ पे हम टायर रखे हुए हैं, वहाँ पे पट्टी रहता है, ये जो पीला कलर पट्टी दिखाई दे रही है ना, ऐसा ही लोग रोड पे ऐसा पट्टी मार देते हैं और उसके बाद लोग बोलते हैं सीधा गाड़ी कर लो, उसके बाद से एल बनाकर आपको घुसाना है। जाइए और एक बार लगाइए, एक बार इनको और देखते हैं। दूसरी बार तो अच्छी लगाए हैं, पहली बार तो घबरा गए थे। तो जो भी भाई साहब अपने मुल्क में छोटा गाड़ी चलाए हैं, अगर उनको वीज़ा मिल रहा है, हैवी गाड़ी का वीज़ा मिल रहा है, हैवी ड्राइवर में आना चाहते हैं, तो बहुत भाई साहब वो लोग टेंशन ले लेते हैं हम जाने के बाद हमसे चलेगी कि नहीं चलेगी। वैसे टेंशन ना ले, यहाँ पर अगर ट्रेनिंग मिल जाए 15-20 दिन, पुराने आदमी जो पुराने ड्राइवर आते हैं कंपनी में, अगर वो ट्रेनिंग दे दे तो करीब 3 हफ्ता में इंशाल्लाह हाथ साफ़ हो जाती है। उसके बाद से आप लाइसेंस के लिए चले जाओगे, वहाँ पे लाइसेंस बनाने के लिए बस वहाँ पे एक ही काम रहता है। जैसे अभी सीधा गाड़ी है, सीधा गाड़ी मिलेगी आपको, बस बैक करके लाना है आपको, ये दोनों टायर के बीच में वहाँ पर पट्टी रहता है, दोनों टायर के बीच में आपको एल बना कर घुसा कर गाड़ी सीधा रहना चाहिए। जब एल बना के घुसा रहे हो तो, अभी तो एल बना के घुसा रहे हैं, जब गाड़ी एल बना के घुसा दिए तो गाड़ी सीधा लगा दो, उसके बाद से आप गाड़ी पर से उतर जाओ, सुरता इंशाल्लाह पास कर देगा। देखिए अभी तो भाई साहब ये तीसरी बार भी अच्छा लगा दिए हैं, ठीक है? यही ट्रेनिंग मिलता है। उसके बाद से अगर आपके हाथ में गाड़ी मिल जाए, अगर कंटिन्यू 10 घंटा 8 घंटा चला रहे हो, तो आप अपने आप अंदाज बन जाती है। तो कोई भी भाई साहब टेंशन ना ले, बस यही एक मुश्किल काम रहता है हैवी ड्राइवर का। लोग सोचते हैं एल नहीं बन पाएगा, एल नहीं बन पाएगा, एल बिल्कुल बनेगा, आप तो कोशिश तो करो, कोशिश करोगे इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। आप देख ही रहे हैं, एक ए आदमी है और दो आदमी वो बैठे हुए हैं, बस नए आदमी है, नए नए लड़के हैं, 22-23 साल का उम्र का है ये लोग, बस खाली छोटी गाड़ी अपने मुल्क में चलाए हैं। ये लोग ट्रेनिंग मिल रहा है, अगर ट्रेनिंग यहाँ पे सही एल अभी जैसे अभी एल बनाए हैं, अगर ऐसा ही लगा देते हैं, अच्छी इनका हाथ स्टेरिंग पे बैठ जाता है, 3 साल ये लोग हफ्ते दिन के अंदर में ये लोग ट्रेनिंग के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए वहाँ पर जाएंगे। तो वहाँ पर यही सिस्टम रहता है,
और रहता है कोपिंटर का सिस्टम, तो कोपिंटर इंशाल्लाह पास हो ही जाता है, उसमें कोई बात है नहीं, वहाँ पे पास हो ही जाता है। बस सवाल आता है अगर दिल से आप 15-20 दिन पढ़ लेंगे तो पास कर लोगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एल बनाने का प्रॉब्लम होता है। देखिए भाई साहब, ये चौथी बार लेके आ रहे हैं, पहली बार तो घबरा गए थे, दूसरी बार भी लगा दिए थे, तीसरी बार भी लगा दिए थे, चौथी बार लेके आते हैं। ये दोनों टायर के बीच में इनको एल बना के घुसाना है, बस यही देखते हैं। कोई भी भाई साहब बस इतना अंदाज बना दे, अगर राइट में काटिएगा तो बाएँ जाएगी पीछे के सतह, अगर बाएँ में काटिएगा तो राइट में जाएगी। बस उसका अंदाज आपको स्टेयरिंग पर बैठ जाना चाहिए, हम किधर काट रहा हूँ तो मेरी गाड़ी किधर जाना चाहिए, उसके बाद से आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप एल बना पाओगे। ठीक है, देखिए अभी घबरा देंगे, पक्की बात ही घबराएंगे। देखिए ये दोनों पहले के टायर के बीच में ला दिए, वो टायर देख रहे हैं ना, अंधेरा में थोड़ा छाया में है, देखिए ये घबरा दिए हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, अभी भाई साहब जैसे कर रहे हैं एल तो बना के घुसा दिए, लेकिन गाड़ी सीधा नहीं है, पीछे का जो सतह है देखिए वो लास्ट में ओक कोना लेकर चले गए हैं, आगे के जो रास है वो राइट साइड में है, तो गाड़ी सीधा बिल्कुल सीधा ना नहीं है, आपको यही ध्यान देना है बस। अगर आप देखिए उन्हें जाने के टाइम में भी टायर पर चढ़ा दिए, आप देख ही रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम होता है। अगर आप दिल से मेहनत करें तो इंशाल्लाह दल्ला में लाइसेंस जहाँ ट्रेनिंग होता है वहाँ पे पास हो जाओगे और लाइसेंस बन जाएगी। चलते हैं उनके पास, दो बार सही लगाए हैं, तीसरी बार घबराए हैं। इनको थोड़ा बता दें, इसलेटर इसलेटर ज़्यादा मत दीजिए, आराम से लगाइए ना, प्रॉब्लम हो रहा है तो आराम से लगाइए। हाँ सही है, ऐसे ही लगाइए, सीधा कीजिए गाड़ी, हाँ राइट काटिए, सीधा कीजिए, सीधा कीजिए राइट, देखिए भाई साहब अभी तो फिलहाल अच्छा लगाए हैं। सही है, पांच बार में दो बार घबराए हैं, तीसरी बार तीन बार सही लगाए हैं। चलिए दोस्तों, फिर दूसरे आदमी जा रहे हैं, फिर वो भी वीडियो बना कर डालेंगे, आप लोग देखिएगा। हाँ सही है, और एक बार लगाइएगा, ये लोग हम ट्रेनिंग देते हैं, अपने गांव के हैं ये लोग, इसलिए ज़्यादा हम बोलते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, एक ग्रुप के लड़के हैं हम लोग, तो प्यार से बोलते हैं, प्यार से लोगों को समझाते हैं हम। क्या है कि कहीं भी आप दूसरे मुल्क में रहते हैं, कोई भी आदमी से मिलजुल कर रहें आप लोग, प्यार से बात करें, ज़्यादा रहे तो ज़्यादा घमंड भी नहीं दिखाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। नए नए हैं लेकिन लोग हम प्यार से बात करते हैं, प्यार से इन लोग को समझाते हैं, हम इज्जत करते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है यही बहुत है। देखिए छः बार लेके आ रहे हैं, इस टाइम क्या करते हैं, बस आप ऐसे एक आपको अंदाज मिल जाएगी, ऐसा एल बना के सीधा करके आपको गाड़ी आप लगा दीजिएगा, तीन साल आप डाला में जहाँ लाइसेंस बनती है वहाँ पे आप पास कर लोगे, आपको लाइसेंस मिल जाएगी। और जो कोपिंटर का है वो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, कोपिंटर का भी हम इंशाल्लाह जब हमको समय मिलेगा लोग लेकर जाएंगे लाइसेंस बनवाने के लिए तो हम वीडियो डालेंगे, उसको आप टेंशन ना मिले ना ले, उसका किताब मिलता है, आप किताब पर पढ़िएगा, उसका कोपिंटर भी स्क्रीन पर आता है, उसका सवाल आप पास कर लोगे अच्छी तरह से। जो प्रॉब्लम होता है यही एल बनाने का प्रॉब्लम होता है,
फिर देखिए हम दूसरे आदमी की चढ़ाते हैं। चलिए भाई साहब अच्छा लगा है, दो बार घबराए हैं आप। ओके गाइस सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। हम फिर दूसरे वीडियो में दूसरे आदमी दिखाएंगे। ना बड़ा